सो हेलो गाइज, वेलकम टू ईवी आउटो। और आज हमारे पास जो स्टीरियो है वो है बेसो हॉलिक का, जो कि आपको अमेजोन पे मिलेगा 9,000 रुपये में या फिर 10,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और इसे मैंने इंस्टॉल किया था पोलो में आज से 1 साल पहले, लेकिन मुझे इस स्टीरियो के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि वारंटी तक के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और वारंटी के बाद इसका वीडियो बनाएंगे और इसका रिव्यू करके हम दिखाएंगे। तो आज कंप्लीट बेसो हॉलिक को इंस्टॉल किए मुझे जो है, मैंने इसे वॉल्सवैगन पोलो में इंस्टॉल किया था और 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये स्टीरियो कैसा है, प्लस जो कस्टमर का रिव्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनको कैसा लगा स्टीरियो। और बात करने वाले हैं कि 1 साल में इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आई और कैसा है ये स्टीरियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो ये जो स्टीरियो है TS7 प्रोसेसर है। और उसके बाद अगर मैं रैम की बात करूं तो 2GB रैम है इसमें। और अगर उसके बाद मैं इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो 32GB का इंटरनल स्टोरेज है इसमें। और अगर मैं बात करूं रिवर्स कैमरे की, तो रिवर्स कैमरे को मैंने खुद मैन्युअली लगा के इंस्टॉल करके देखा था। जब मैंने 720p का कैमरा लगाया तो 720p भी सपोर्ट कर रहा था इस स्टीरियो में, TS7 है ये। और जब मैंने इसमें HD 1080p वाला कैमरा जब इंस्टॉल किया, जो कि फुल HD क्वालिटी का कैमरा होता है, तो वो भी जो रिवर्स कैमरा है वो भी इसमें सपोर्ट कर रहा था, नॉर्मल कर रहा था और उससे भी कम क्वालिटी वाला भी कर रहा था। तो फुल HD कैमरा ये सपोर्ट कर रहा था और प्रॉपर तरीके से काम किया इसने, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। बाकी मुझे इसके ऊपर जब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि 1 साल ये निकाल लेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये स्टीरियो शायद ही चलने वाला है, वो भी गाड़ी थी वॉल्सवैगन पोलो जिसमें प्रॉपर कैनवस के साथ मैंने इसे इंस्टॉल किया था। और जब मैंने इसे इंस्टॉल किया था तो इसकी जो प्राइस है वो 9,999 रुपये अमेजोन पर शो हो रही थी, और कई सारे लोगों का मतलब 1,000 से भी ज़्यादा लोग इसे बाय कर चुके थे। और मैंने तो इसे किसी को रिकमेंड नहीं किया था, कार के जो ऑनर है वो खुद मेरे पास लेके आए थे, मैंने सिर्फ इसे इंस्टॉल किया था, लेकिन मैंने उनसे फिटिंग चार्ज नहीं लिया था। मैंने उनको कहा कि सर 1 साल बाद जब ये स्टीरियो जब चल जाएगा ना, तो उसके बाद आपका रिव्यू एक बना देंगे, समझो वही फिटिंग चार्ज है। तो उन्होंने मुझे कॉल में बात होती रही, 1-2 प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, और फाइनल स्टीरियो की हम बात करेंगे कि 1 साल बाद या 1 साल तक जब से मैंने इंस्टॉल किया था तो कैसा था ये स्टीरियो, और आप इसे अपनी कार में लगवाना सही है आपको कि या फिर नहीं है। तो देखिए, जो कैमरा है वो तो HD सपोर्ट कर रहा था, प्लस इसके साथ में 10,000 रुपये में आप यकीन नहीं करेंगे, पोलो के फेसिया के साथ में, फेसिया जो है मैट फिनिश में था, प्लस 9-inch एंड्रॉयड स्टीरियो जो बेसो हॉलिक का है, प्लस एक कैनवस भी प्रॉपर आया था और एक प्रॉपर एंटीना वायर भी इसके साथ में निकला था जब मैंने इसे इंस्टॉल किया था। तो देखिए, कैनवस को मैंने कनेक्ट करके देखा पोलो में, 2012 मॉडल पोलो थी, और जब मैंने कैनवस को कनेक्ट किया तो प्रॉपर तरीके से, जो हाई वर्ल्ड का कैनवस था, अच्छा ब्रांड है हाई वर्ल्ड, तो हाई वर्ल्ड का जो कैनवस था वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद कैनवस में जो है 1 साल तक की अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो 0 प्रॉब्लम था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा था ना, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मैं तो सोचा पहले कैनवस ही जाएगा। प्रॉपर जो डोर का इन्फो है वो शो हो रहा था और हैंड ब्रेक का इन्फो जो है शो हो रहा था। उसके बाद जो वॉल्सवैगन पोलो का जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो खुद कीपैड वाला था, कार के कोई भी OEM फीचर उसमें दिखाते नहीं थे, 2012 मॉडल कार थी। तो कैनवस लगाने के बाद भी 2 चीजें ही एक्टिव हो पाई, पहला तो था कि अपना डोर ओपन की लाइट आ गई थी, दूसरा जो है हैंड ब्रेक अप एंड डाउन का जो है वार्निंग उसमें शो हो रहा था, दोनों प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, बाकी कोई और फीचर नहीं थे कार के अंदर, क्योंकि पोलो जो है एकदम बेस मॉडल थी, लोअर मॉडल थी, 2012 मॉडल थी, जो कि अब मेरे ख्याल से शायद डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो उसमें इंस्टॉल किया था। तो कैनवस वगैरह में अगर मैं फॉल्ट की बात करूं, 1 साल तक की कोई फॉल्ट नहीं आया, रिवर्स कैमरा फुल HD सपोर्ट कर रहा था। एक फॉल्ट आया था पिछले 6 महीनों में कि YouTube अगर प्ले करते हैं तो YouTube में जो है बफरिंग प्रॉब्लम आ रही थी। अब YouTube में जब बफरिंग प्रॉब्लम आ रही थी तो इसके टोल फ्री नंबर में जो कार के ऑनर हैं, जो जिन्होंने इस स्टीरियो को लेकर आया था, उन्होंने कॉल किया तो वहां पर थोड़ा बहुत सेटिंग करवाया और उसके बाद वो चीज़ सही हो गई, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। और उस 1 साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर से वही प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद जो कार के ऑनर हैं वो मेरे पास स्टीरियो को लेके आए, और लाने के बाद मैंने भी फैक्ट्री रिसेट वगैरह किया, तो उसके बाद इसमें ऑनलाइन अपडेट का भी एक ऑप्शन था, तो जब मैंने अपडेट चेक किया तो इसका जो है अपडेट आया हुआ था और मैंने इसे अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद इट्स वर्किंग प्रॉपरली, कोई भी प्रॉब्लम हमको देखने के लिए नहीं मिली।
तो आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बेसोहोलिक का एंड्रॉयड स्टीरियो चाहिए, अगर किसी भी कार के लिए चाहिए या फिर 9 इंच ही चाहिए, तो आप इस स्टीरियो को परचेस कर सकते हैं। फाइनल अगर मैं एक साल की बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छा स्टीरियो था ये, कोई भी प्रॉब्लम हमको देखने के लिए नहीं मिली। क्योंकि जब मैंने इंस्टॉल किया था ना, मैं इसी चीज को नोटिस कर रहा था कि तुरंत वीडियो नहीं बनाना है, पहले रुकते हैं, देखते हैं टेस्ट करके क्या क्या प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अमेजोन पे रेटिंग इसकी ज्यादा थी तो मैं भी उसके पीछे लगा हुआ था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तब तो पक्का इसका रिव्यू बनाएंगे नेगेटिव। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, स्टीरियो अच्छा चला भी। तो ये स्टीरियो जिनका बजट है कि 10,000 के अंदर स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है अपनी कार में, वो इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी अगर प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो एक बार बस प्रॉब्लम आई थी, वो है यूट्यूब बफरिंग प्रॉब्लम, जो कि फैक्ट्री रीसेट मारा और सिस्टम को हम लोगों ने अपडेट किया तो अपडेट हो गया। इसमें जो नॉर्मल अपडेट है, इसमें जो है फोटा अपडेट वगैरह नहीं है, नॉर्मल अपडेट है ना। यूट्यूब को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर लीजिए या फिर अपडेट कर लीजिए तो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम हमको इसमें देखने के लिए नहीं मिला। और ये जो स्टीरियो है 9,999 रुपये में आया था, और जिनको लगवाना है वो लगवा लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि ये 2GB रैम है एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज है, और जो प्रोसेसर है ये TS7 है ना। तो कोशिश आप ये कीजिए कि 4+64 तक के आप जाएं, क्योंकि अगर आप अभी फोन यूज कर रहे होंगे 6+128 या फिर 8/256 रैम रोम वाला अगर आप फोन यूज कर रहे होंगे तो ये स्टीरियो आपको स्लो लग सकता है। क्योंकि इसमें जो रैम है वो 2GB का रैम है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। CPU-Z हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया था, सारी जो डिटेल्स है वो सही आई। एक जगह बस क्या हुआ कि एंड्रॉयड वर्जन 8 था इसमें, है ना, एंड्रॉयड वर्जन 8 था लेकिन 10 हो रहा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एंड्रॉयड वर्जन पुराना था लेकिन यूज़ किया, अब क्या कर सकते हैं, आ तो गई थी चीज़ें। अब जब यूज़ किया, चला के देखे कार के ऑनर ने, तो उनका जो फाइनल रिव्यू था वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फैजल भाई आज हमारे साथ में है, इन्होंने ही ऑनलाइन अमेजोन के स्टोर से जो बेसोहोलिक के स्टीरियो है उससे परचेस किया था। सर कैसा लग रहा है स्टीरियो और कैसा चला एक साल में? सर मुझे तो लगा नहीं था सर कि मेरे गाड़ी में, जब मैं शुरू में लगाया था मेरे को ऐसा लगा, मुश्किल से देखा जाए तो 5 से 6 महीने के अंदर ये थोड़ा खराब हो जाएगा, पर देखा जाए तो सर मस्त चल गया। 1 साल 6 महीना हो गया सर मेरे को अभी तक, और अच्छा भी चल रहा है। जिस उम्मीद में था मैं, लगा नहीं था कि उस टाइप का चल पाएगा, पर जब लगाते समय मेरे को लगा कि उस टाइप का थोड़ा हल्का हल्का करके चल जाए बस काम चलाओ के लिए। और जब चीज ऐसी मिले ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार और मुझे ये सब लगाने का मन करे। तो आप लोगों ने आई होप रिव्यू देखा होगा। तो बेसोहोलिक का जो स्टीरियो है मेरे ख्याल से 10,000 रुपए में अच्छा स्टीरियो है। अगर आपको किसी भी कार में इंस्टॉल करवाना है तो आप उसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी मैंने किया था और मैं रुका ही इसी वजह से था कि भाई इसका रिव्यू देखेंगे, देखते हैं टेस्ट करके चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन अगर मैं आपको देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा, 232 जो स्टीरियो है वो स्लो रहते ही है, और TS7 जो प्रोसेसर है वो सबसे बेसिक प्रोसेसर है, सबसे नीचे वाला प्रोसेसर है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये स्टीरियो मत लगवाइए। लेकिन जिन्होंने अपना बजट फिक्स करके रखा है कि भाई 10,000 के अंदर ही स्टीरियो चाहिए, तो आप अमेजोन में जाके इसे जो है परचेस कर सकते हैं। बाकी अमेजोन में और भी स्टीरियो आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको वही स्टीरियो सजेस्ट किया है जिसको मैंने खुद बैक टेस्ट किया है, एक साल तक के देखा है कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।